नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। हरपल और लगातार लोकसभा संसदीय क्षेत्र में लाइव इंडिया की टीम जा रही है और सभी संसदीय क्षेत्रों में लोगों की राय जानना बेहद जरूरी है। जिला बनाने तो सोच रहे हैं हम लोग, महाराजगंज जिला बन जाता तो और भी अच्छा होता, बेहतर होता। जिला बन जाता तो और बेहतर होता, क्या सोचते हैं इस बार? आप क्या चाहते हैं, महाराजगंज के लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? महाराजगंज के लोग ही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को आगे बढ़ाए और देश का हाथ मजबूत। क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों? नरेंद्र मोदी में ऐसा कुछ गुण है जो पब्लिक के अंदर संतुष्ट जनक है, जिससे उनको चाह रही है। कौन से ऐसे काम है जो मोदी जी के सबसे ज्यादा आपको प्रभावित कर गया? मोदी जी तो जो काम किए हैं वो आज 500 वर्ष पुराना युग में भी नहीं हुआ था, अब वो काम करके उन्होंने दिखाए हैं और उनका अब प्रशंसा क्या किया जाए। अच्छा, कौन सा योजना का लाभ आपको मोदी जी का मिल रहा है अभी तक? मोदी जी का योजना का लाभ तो अन्न से ही अभी कुछ मिल रहा है, अनाज उनाज मुफ्त मिल रहा है, पेंशन मिलता है आपको? पेंशन हमको तो अभी पेंशन कितना उम्र नहीं है, अभी तो हम 55-56 में जा रहे हैं। तो महाराजगंज में क्या होना चाहिए विकास के तौर पर, आप कैसे देखते हैं कि महाराजगंज, आपकी उम्र अच्छी खासी हो गई है, और लोगों के शासन से बेहतर विकास तो महाराजगंज की जरूर हुई है जो इनके शासन में हुआ। आपके जो सांसद हैं, कौन है आपके सांसद? मेरे सांसद तो सिग्रीवाल जी हैं। सिग्रीवाल जी कभी आपसे मिले? सिग्रीवाल जी तो मिलते ही रहते हैं, यहाँ आए हैं, आते हैं। आप गए उनके पास मिलने के लिए कुछ काम से? काम से तो नहीं गए, लेकिन जहाँ भी मिले हैं आदर पूर्वक मिलते हैं। मिलते हैं, अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता हैं, जितना में अच्छे ही हैं। चलिए, अच्छे नेता हैं, कुछ और लोग भी हैं, क्या कहेंगे महाराजगंज में, क्या सोच रहे हैं? महाराज उनका विकास होना चाहिए। किस तरह? कैंडिडेट से हम लोग को मतलब नहीं है, मतलब है मोदी जी को वोट देना है। तो जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, जी हाँ, 400 पार में कितना सफलता उनको मिलेगा? 400 से बेसी सफलता मिलेगा। हाँ, तो विकास तो केवल हम लोग मोदी जी को देना है, सिग्रीवाल साहब से कोई मतलब लेना है नहीं देना है, हम लोगों को मोदी जी से मतलब है, मोदी जी को वोट देना है। तो ये जो सड़क है आपका आने जाने वाला, ये विकास कहते हैं इसको? इसको विकास कहाँ है, देखते ही है, आप आते ही है कि सड़क टूटा हुआ है। कहाँ विकास हुआ है? तो आप कह रहे हैं कि विकास हो गया मेरे महाराजगंज में, विकास हो गया मैंने मोदी जी को? तो ऐसा कोई बात नहीं कहा, महाराजगंज का विकास होना चाहिए, होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये जो सड़क है कितने साल से खराब है? 2-3 साल से खराब है। 2-3 साल? हाँ, लेकिन आपके सांसद महोदय कितने साल से यहाँ से? तो तीसरा बार यहाँ लड़ रहे हैं, तीसरा बार लड़ रहे हैं। संसद साहब से, संसद साहब से मतलब नहीं है, हम लोग को मोदी जी को वोट देना है बस। मोदी जी के ऐसे कौन से काम है जो आप प्रभावित हो गए? नहीं करते हैं, पेंशन देते हैं, खाने के अनाज देते हैं, खाता में पैसा आ जाता है, लुटारी लुटारा बात नहीं है। अच्छा, अब ये सब बढ़िया क्या चाहिए? चलिए, ये जोश, ये उमंग और लोग जो है जश्वे के साथ कह रहे हैं कि मोदी जी ही 400 पार में होंगे। क्या लगता है, उम्मीदें कितनी आप महाराजगंज से लगा कर रखे हैं कि इस बार मोदी जी भी आ रहे हैं, मालूम है ना आपको? उनका तो कन्फर्म है कि आना ही है। हाँ, अब ये है कि 400 के पार आवे हम लोग इसकी उम्मीद में है। अच्छा, आना तो उनको है ही। आना है? हाँ, वो तो कंफर्म है कि आना है। अच्छा, लेकिन 400 के पार आवे हमें ये उम्मीद है कि हम 400 पार आवे। लेकिन आप कांग्रेस से भी एक नए चेहरे आपके सामने आए हैं, आकाश सिंह। कांग्रेस वालों ने हमेशा लूटा है इस देश को, और मैं इस बार पहला बार ऐसा चौकीदार आया है कि ये लूट खसोट उन्होंने बंद किया है, इसलिए मोदी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी लूट कर झोला लेके चल देंगे फिर? अरे ये सब तो खाली दिखावे की बात है, वरना जितने विपक्षी पार्टियां हैं सब पे किसी न किसी तरह का आरोप लगा हुआ है, और कोई ना कोई हर आदमी एक घोटाले में फंसा हुआ है। लेकिन उसको तोता बता रहे हैं लोग? तोता नहीं बता रहे हैं, जब तोता बता रहे हैं, ईडी सीबीआई अगर छापा मार रही है तो नोट भी निकल रहा है, सोना भी निकल रहा है, प्रॉपर्टी भी निकल रही है, तो कैसे निकल रही है? तो ये तोता जो बोल रहे हैं वो सच्चाई लग रहा है आपको, तोता है? बिल्कुल नहीं महाराज, ये बिल्कुल सही, नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है और जो कर रहे हैं राष्ट्र हित में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि और भी रहे। तो महाराजगंज के लोग इस बार मन बना चुके हैं फिर? बिल्कुल 100%, कहीं से कोई मने कोई बिंदु पिंटू कुछ नहीं, नहीं कुछ कोई बिंदु नहीं, ना तो इसमें कोई जाति की बात है ना कुछ का। हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को चाहा है और मरते दम तक चाहेंगे, मरते दम तक चाहेंगे। चलिए, बहुत ये लोगों की राय है, ये लोगों का मत है। देखिए, दुकान
एक चाय बेचते थे, दूसरा आप पान बेच रहे हैं, क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? 400 पार का जो मिशन है उसमें कितनी कामयाबी मिलेगा? फुल कामयाबी मिलेगा। कैसे? हम अपने हृदय से बोलते हैं। हृदय से कौन से ऐसे काम है जो मोदी जी के सबसे ज्यादा प्रभावित? हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छा होगा। अच्छा होगा। तो आपको मोदी जी का ऐसा कौन सा काम पसंद आ गया? अनाज देते हैं, सबको देखते हैं, सबको लेकर चलते हैं। तो इस बार 400 पार वाले मिशन में आप? हाँ। तो देखिए, मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए और ये पान बेच रहे हैं, और लेकिन मोदी जी को जरूर इस बार 400 पार के मिशन में शामिल होंगे। तो ये महाराजगंज के लोग हैं, और महाराजगंज के लोगों ने एक बार फिर से जनार्दन सिंह सेग्रीवाल को तीसरी बार चुनने का मन बना लिया है। हम लोगों की राय जानने के लिए महाराजगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र में हैं, और लगातार हम उस खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट दिवाकर ठाकुर के साथ मैं संजय कुमार, लाइव इंडिया, हरपल, महाराजगंज।